ओके जी, हमें फ्रंट एंड पे ये डाटा एज इट इज मिल रहा है। हम अब इस डाटा को बैक एंड पे भेजेंगे और बैक एंड के लिए हमें सबसे पहले एंड पॉइंट चाहिए। तो ये हमारा, यानी ये हमारी बॉडी थी राइट, ये प्रोडक्ट की बॉडी थी। इनफैक्ट यूजर का हमने कहीं भी नहीं बनाया, ये रजिस्टर ठीक। सो फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। वन मोर थिंग, हमारे पास एक एडिशनल चीज़ है अवतार, ठीक है, उस पर हम जाते हैं। पहले मुझे क्या चाहिए, ये आपको ये एंड पॉइंट चाहिए और आपने इस एंड पॉइंट को यहाँ आके अपनी एपीआई पे लगा देना है। माई मेक श्योर के यहाँ पे HTTP कॉलन ये नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप पोस्टमैन में ये रिक्वायर्ड नहीं होता, HTTP कॉलन दिस 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 लोकल होस्ट 5000/register। आप बैकएंड पे वेरीफाई कर लेंगे 5000 पे ही चल रहा है आपका सर्वर। सो लेट्स डू दैट, वेयर इज द पोर्ट, सर्वर के अंदर 5000 पे चल रहा है, ठीक है। सो ऑल द थिंग्स हैव बीन वेरीफाइड। नाउ इसके बाद हम क्या कहेंगे, गेट ऑल यूजर्स नहीं बल्कि क्रिएट यूजर का एक्शन आएगा, और क्रिएट यूजर के एक्शन में जो भी पेलोड होगा, आई मीन व्हाट्सएवर, वो यहां से जाएगा कहां पे, रिड्यूसर में। तो हमारे पास जैसे auth का एक्शन है, वैसे auth का या यूजर का रिड्यूसर भी होना चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। सो वी हैव टू क्रिएट द auth रिड्यूसर डॉट js, और जैसे ये रिड्यूसर है आप इसको कॉपी कर लें जस्ट फॉर सेविंग टाइम, auth रिड्यूसर में इसको पेस्ट कर लें। इनिशियल स्टेट में आप इसको कह लें फॉर एग्जांपल यूज़र, अगर आप बैकएंड से रिस्पांस गेट करना चाहते हैं कि जो भी यूज़र नया क्रिएट हुआ है उसका आपको यहाँ पे मिले, सॉरी रिस्पांस मिले, तब भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टेट को नल करके, यानी स्टेट में कोई डाटा बेशक ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कह दें, मैसेज कह लें, जब भी यूज़र नया क्रिएट हो ये एक्शन ट्रिगर हो, और इसमें जो भी एक्शन डॉट पे लोड में आए वो किसकी प्रॉपर्टी में दे दें, मैसेज की प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसको भी हटा दें दिस वन। तो मैं अपडेटेड स्टेट क्या रिटर्न कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नाम की एक प्रॉपर्टी जिसको मैं नल कर देता हूँ, ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब चाहें तो जो रिटर्न यूजर है वो भी आप इसमें सेव कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल क्या चाहिए, जो भी पेलोड आए, पेलोड क्या आएगा, बैकएंड से एक मैसेज आएगा, यूजर हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो वो आप मैसेज की प्रॉपर्टी में स्टोर करवा दें। यहाँ तक क्लियर हो गया, मेरा रिड्यूसर भी बन गया। अब इस रिड्यूसर को मुझे क्या करना है, स्टोर में रजिस्टर करवाना है। तीन स्टेप होते हैं ना, एक्शन बनाएं, रिड्यूसर बनाएं, और वो रिड्यूसर स्टोर में यहाँ पे आके दे दें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली जैसे बाकी रिड्यूसर्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ से auth रिड्यूसर को इंपोर्ट करूँगा, और इस auth रिड्यूसर को यहाँ आके auth की दे दूंगा, और इसके अगेंस्ट ये auth रिड्यूसर दे दूंगा। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि एटलीस्ट जब मैं जहाँ जाके अपने ब्राउजर की, अच्छा auth रिड्यूसर इम्पोर्टेड एज auth रिड्यूसर वाज नॉट फाउंड, अच्छा ये इसका मतलब इंपोर्ट में कोई इशू आ गया, रिड्यूसर्स में जाए और auth रिड्यूसर, लेट्स डू दैट, रिड्यूसर्स में गए और दैट इज गोइंग टू बी auth रिड्यूसर, और ये auth रिड्यूसर यहां से एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, तो ये तो auth एक्शन है, auth रिड्यूसर const, ओके, ऊपर नाम हमने चेंज नहीं किया, एक्सपोर्ट जो है वो एज अ प्रोडक्ट रिड्यूसर हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। इफ यू कम बैक हियर, तो एटलीस्ट अब हमारे पास रिडक्स में एक auth रिड्यूसर नाम की भी आनी चाहिए, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो है सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया। अब नाउ मीठा कम, व्हाट वी हैव टू डू इज के अब हमने यूजर की एक रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, और वो इनफैक्ट हमने ये सारा कुछ सेटअप तो कर लिया, लेकिन अब हम यहाँ पे उसको कॉल करेंगे, किसको, एक्शन को, ठंक एक्शन को कॉल कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले पता है कि हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट दो चीज़ें, यूज़ डिस्पैच और यूज़ सेलेक्टर,
ठीक, तो हमें अब यूज सेलेक्टर तो फिलहाल नहीं चाहिए क्योंकि हमें कोई डेटा स्टेट से लेना तो नहीं है, भेजना ही है ना कोई एक्शन। तो हम यहाँ से यूज डिस्पैच की हुक को कॉल कर रहे हैं और कॉन्स्ट डिस्पैच नॉट यूज इफेक्ट से बाहर, और इस डिस्पैच को हम यहाँ लाके इसमें एक थंक एक्शन भेजेंगे, और वो थंक एक्शन कौन सा होगा, ऑथ एक्शन में से ये वाला एड न्यू यूजर, ठीक। और इस न्यू यूजर में क्या भेजेंगे, एक यूजर। सो लेट्स सी, मैं एड न्यू यूजर, और ये एड न्यू यूजर क्योंकि एक इम्पोर्ट नहीं हुआ हुआ तो ये मुझे एरर देगा, लिहाजा इसको इम्पोर्ट भी कर लेते हैं, इम्पोर्ट एड न्यू यूजर फ्रॉम द ऑथ एक्शन, ठीक है। सो दिस इज वॉट, ये मुझे डिस्पैच करके लेके जाएगा। अब इसके अंदर यूजर क्या भेजना है, यही वाली वैल्यूज, क्योंकि हमारे यूजर का सारा डाटा किधर पड़ा हुआ है, वैल्यूज में, ये भेजना है हमने इधर, दैट्स इट। तो यहाँ कंसोल तक तो हमने पहले काम किया था, आज एडिशनल काम हमने क्या किया, वो कंसोल कराने के बजाय क्या कर दें, डिस्पैच कर दें, और डिस्पैच में जो फॉर्म से सारा डाटा लिया हुआ है वो सारा उसमें पास कर दें। ये हमें मिलेगा कहाँ पे, यहाँ आके इस यूजर में रिसीव होगा। अब इस यूजर में रिसीव होने के बाद हमें पोस्ट में पहला आर्ग्यूमेंट हमारा वो एंड पॉइंट है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें इसे वो डेटा देंगे जो हम भेजना चाह रहे हैं, राइट। तो अब ये इस एंड पॉइंट को हिट करेगा और इस डेटा को लेके जाएगा। सो लेट्स सी बैकएंड पे कंसोल करके कि एवरीथिंग गोज वेल। सो ये मैं आ गया बैकएंड के ऊपर, और ऑथ को हटा दें, प्रोडक्ट को भी हटा दें, कंट्रोलर पे चले जाएं, और कंट्रोलर पे ऑथ कंट्रोलर पे आ जाएं। तो जब रजिस्टर का एंड पॉइंट हिट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, तो मुझे जो भी बॉडी में डाटा मिलेगा वो इस न्यू यूजर में मिलेगा। सो मैं बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पसेस, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि अभी मेरे डेटाबेस में तब तक डाटा ना जाए जब तक मैं वेरीफाई ना कर लूँ कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, इससे पहले पोस्टमैन के केस में सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, क्योंकि आप हम फ्रंट एंड से ला रहे हैं। तो अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इफ दिस न्यू यूजर डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी, एंड नाउ दिस टाइम रिक्वेस्ट वुड बी फ्रॉम द ब्राउजर नॉट फ्रॉम द पोस्टमैन, कि इफ एवरीथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग आर बीइंग एक्चुअली रिसीव्ड ओवर हियर और नॉट। सो लेट्स फोकस ऑन दिस कंसोल आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब, लेट्स रिफ्रेश इट, और फिर जब अगर वो अभी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिक्वेस्ट हॉल्ट हो जाएगी हमारी, सिर्फ हमें कंसोल देखना है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, फुल नेम दिस, एनीथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड एन इमेज लाइक दिस, साइन अप। सो नथिंग इज इन हियर, तो यहां पे मैं क्या देगा, एक एरर देगा, वट एवर दिस एरर इज ऑल अबाउट, we have to go back to the console or nothing came in here, iska matlab hai hamari request abhi tak server pe nahi pahunchi. So let's investigate what are the possible reasons. Pehli reason ye hai ki access to xml http request at this from origin this has been blocked by CORS policy. Now you have to understand what the CORS policy is. CORS, CORS stands for cross origin resource sharing. Har browser सिक्योरिटी का एक बिल्ट इन मैकेनिज्म को फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं CORS. ये सिक्योरिटी का बिल्ट इन मैकेनिज्म है, और इसका मतलब ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। नाउ ओरिजिन क्या होता है, मुझे ये बताएं कि हम रिक्वेस्ट किसको कर रहे हैं, लोकल होस्ट 5000 को, ये एक ओरिजिन है। किस ओरिजिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकल होस्ट 3000 से। अगर मुझे लोकल होस्ट 3000 से लोकल होस्ट 3000 पे ही रिक्वेस्ट करनी होती तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेम ओरिजिन था। गॉट इट, ओरिजिन का मतलब वो प्लेस, वो जगह जहां से रिक्वेस्ट इमर्ज होती है, जहां से रिक्वेस्ट आती है या जाती है, व्हाटएवर। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग दिस रिसोर्स फ्रॉम दिस रिसोर्स। तो पोस्टमैन में CORS का कोई इशू नहीं था, बिकॉज उसमें वो ओरिजिन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, ये ब्राउजर्स की सिक्योरिटी मैकेनिज्म की इंप्लीमेंटेशन है। तो एरर का मतलब ये है कि आप एक अलग डोमेन में हैं, और जिससे आप डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी अलग डोमेन में है, तो मैं आपको डेटा नहीं दे सकता,
बिकॉज यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी यूजर. ठीक, तो दिस इज व्हाट CORS मींस, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग. अब मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो सर्वर पे जाके अपनी इस आईपी को वाइट लिस्ट कर दूं. बेसिकली ये क्या करता है, जिस तरह लेट सपोज किसी रॉन्ग नंबर से आपको कॉल आना शुरू हो जाती है और आप तंग होते हो, तो आप नंबर को क्या कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो. वो क्या है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म. आप अपने आप को क्या कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो. लेकिन सपोज सपोज कि आपको लगता है कि यार नहीं, ये रॉन्ग नंबर नहीं है, दिस इज नॉट सपोज टू बी ब्लैक, तो आप उस नंबर को क्या कर देते हो, व्हाइट लिस्ट कर देते हो. व्हाइट लिस्ट का मतलब ये है कि इस नंबर से मुझे मैसेजेस या टेक्स्ट आ जाए, आई एम कंफर्टेबल, आई कैन रिस्पॉन्ड, ये मेरा रिलेटिव है, कजन है, दोस्त है, भाई है, जो भी है, व्हाटएवर, दैट इज व्हाइट लिस्टेड. तो आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर नंबर को व्हाइट लिस्ट कर रहे हैं. या यू समझ लें कि लेट सपोज अक्सर ये फीमेल्स की कंप्लेंट होती है, उनको मतलब मिस या किसी गलत नंबर से कॉल या मैसेजेस मौसूल होते हैं, तो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने सिर्फ अपने फैमिली सर्कल के नंबर्स को व्हाइट लिस्ट किया होता है, बाकी सारे नंबर्स को क्या किया होता है, व्हाइट लिस्ट किया होता है, ताकि ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, आप नंबर स्पेसिफाई करते हो 1, 2, 3, 4, इनसे कॉल आए तो आई कैन, आई मीन माय हैंडसेट कैन रिसीव, अदरवाइज. सिमिलर मैकेनिज्म कुछ इसी तरह का है कि सर्वर जो है बाय डिफॉल्ट तमाम डिफरेंट ओरिजिन्स को ब्लॉक कर देता है, वो ओरिजिन जो इस ओरिजिन से मैच नहीं करते. तो अब ये ओरिजिन क्या है, लोकल 3000, ये ओरिजिन क्या है 5000, तो सर्वर ने इसको क्या किया, और इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, CORS पॉलिसी. अब दो हल है, या तो हम सर्वर के पास जाके कहें कि यार सारे सोर्सेज से रिक्वेस्ट आने दो, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक, तो या दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि आप उसको सिलेक्टेड APIs या सिलेक्टेड डोमेन्स दे दें कि सिर्फ इस डोमेन से रिक्वेस्ट भेजो. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे पब्लिक कर देते हैं, हम कहते हैं यार जहां से आनी आ जाए रिक्वेस्ट, हम उसे एंटरटेन करेंगे. तो उसके लिए हमें एक और सर्वर पे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच इज CORS. आपसे इंटरव्यू या इनफैक्ट पूछा जा सकता है जी कि CORS क्या होता है, अगर लेट्स सपोज कोई टेक्निकल बंदा हुआ तो आपने उसको, तो मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ NPMI CORS. CORS स्टैंड्स फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, और इसको करना कहाँ पे है, सर्वर के ऊपर. ठीक है, सो लेट मी इंस्टॉल दिस. जब CORS इंस्टॉल हो जाए तो आप यहाँ जाएं और सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली जैसे बाकी पैकेजेस को आप रिक्वायर करते हैं सर्वर के, ये हो गया, मैं बंद कर दूं, उसको मैं वापस कलेप्स कर लूं. आप सर्वर पे जाएं, क्योंकि ग्लोबल मिडलवेयर, ये भी अनलाइक अदर्स, मैंने इसको क्या किया, CORS const, और इस CORS को जैसे बाकी ग्लोबल मिडलवेयर कॉल किए आपने, ऐसे ही कॉल कर लो. ये मैंने अगर इस तरह करूंगा तो मैंने पब्लिकली एक्सेस दे दी कि यार जो भी ओरिजिन आता है उसको सर्वर के रिसोर्स की एक्सेस दे दो. आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप यूं ऑप्शंस का पैरामीटर देके व्हाइट लिस्ट कर सकते हो. ये देखें CORS ऑप्शंस ओरिजिन, वो कह रहा है सिर्फ यहां से रिक्वेस्ट आ सकती है. अगर आप मल्टीपल देना चाहें तो यहां अरे स्पेसिफाई कर सकते हैं. ये देखें व्हाइट लिस्ट, इस डोमेन से, यानी ये दो डोमेन सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हैं. और फिर ये जो व्हाइट लिस्ट है इसको आप CORS ऑप्शन में, यानी आप सिंपली यूं कर लें कि यहां पे एक अरे देके इस CORS ऑप्शंस को उसमें डाल दें. लेट मी शो यू, यहां कंफ्यूज करेगा आपको. ये मैं बना रहा हूं CORS के ऑप्शंस. यहां पे अगर मैं लेट सपोज मल्टीपल डोमेन्स देता हूं तो मैं उनको क्या कर सकता हूं, कॉमा सेपरेशन, 3, 4, 5 जितनी भी डोमेन्स है, और फिर मैं इन CORS ऑप्शंस को उठा के इस CORS के अंदर रख देता हूं. इसका मतलब यह है कि अब ये सिर्फ उन डोमेन्स को अलाउ करेगा जो यहां मैंने व्हाइट लिस्ट की हुई है. ठीक, सो आई एम करेंटली नॉट डूइंग लाइक दैट, सो जस्ट गो अहेड. तो अब ये मुझे एटलीस्ट ये वाला एरर जो है वो नहीं देगा. ठीक है, लेट्स मेक इट अगेन, रिफ्रेश इट, मेक श्योर कि आपका सर्वर स्टिल इज इन द रनिंग स्टेट. वापस जाएं ब्राउजर पे, वेयर इज द ब्राउजर, यस, दिस, वेयर इज दिस, दिस, दिस. अब इसने मुझे वो CORS का एरर नहीं दिया और रिस्पॉन्स भी कोई नहीं दिया, क्योंकि रिस्पॉन्स तो बनता ही नहीं है, रिक्वेस्ट मेरी क्या है, हॉल्ट हुई हुई है. लेकिन बैकएंड पे जाऊंगा तो यहाँ पे इसको यहाँ आना चाहिए था रिस्पॉन्स, जो कि वो भी नहीं आया. सो लेट वेट सम टाइम, इट टेक्स टाइम, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम लेता है. और ये रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज, यानी वो जो हमने अपने मैसेज सेट किया था जाके
तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि जब बैकएंड से कोई एरर आए तो उस एरर को भी कहाँ हैंडल करो, रिडक्स में स्टेट। तो रिडक्स में उसने क्या कर दिया, मैसेज में सक्सेस फॉल्स करके उसने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज। अब व्हाट दिस एरर इज ऑल अबाउट, ये दो ही एरर्स हैं टिपिकल जो फ्रंट एंड को कनेक्ट करते वक्त आते हैं, तो इसलिए मैं इनको जरा डिटेल से एलैबोरेट कर रहा हूं जब भी अबाउट। अब जब हमने यहां से रिक्वेस्ट भेजी थी फ्रंट एंड से, लेट मी डू दैट, लॉग इन से, और ये हमने वैल्यूज क्या था, तो ये जो रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज है ना, ये एरर किस से रिलेटेड है जरा लेट्स सी। अगर मैं इसको करूं तो ये जो इमेज का डाटा है ना, ये 1.4 MB है सिर्फ इमेज, तो वो कहता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसमें जो डाटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। दिस एरर इज अबाउट दिस, कि जब आपकी रिक्वेस्ट में इमेज जाएगा बेस 64 में, तो इमेज तो 2 MB का भी हो सकता है, 4 MB का हो सकता है, 8 MB का, 10 MB का हो सकता है। सो दैट्स प्रोबेबली द एरर, ठीक है। सो लेट्स कम बैक, नहीं आपको एरर की ओरिजिन और एरर का सारा कुछ पता होना चाहिए। सो मैं इसको यहां से करता हूं। अच्छा, मुझे अब क्या करना है, अब मुझे सर्वर पे जाके एक और मिडलवेयर देना है, या इसी मिडलवेयर में किधर गया, जेसन में, मुझे अपनी रिक्वेस्ट में आने वाली इंफॉर्मेशन की साइज लिमिट देनी है, कि अभी साइज लिमिट बढ़ा दो ताकि बड़े साइज की रिक्वेस्ट में डाटा आए तो उसको भी क्या कर लो, हैंडल या एंटरटेन कर लो, कंप्लेन ना करो। सो अब अगर मैं इसी एरर को कॉपी करके यहां पेस्ट करता हूं तो मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन देगा कि आप सर्वर पे जाके ये काम कर लें, ठीक है। सो लेट्स सी, यानी बाकी हमारा सब कुछ होके चल रहा है, सिर्फ एक कंप्लेन है उसकी, पहले कंप्लेन थी कॉर्स की, वो हमने फिक्स कर दी, दैट वाज द सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द ब्राउजर्स देमसेल्व्स। एग्जैक्टली, आप बीच में कोई प्लगइन यूज कर लें जिसमें आप इमेज को अपलोड करने से पहले यूजर से कंप्रेस करवा लें, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू दो स्टेप्स ना, हम क्या कर रहे हैं सर्वर पे जाके लिमिट बढ़ा दें, ठीक है। सो हाउ टू डू दैट, इसने PHP का तरीका बताया, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ एक्सप्रेस। ये मुझे कह रहा है जी के लेट्स सी ये app.use express.json limit 50 MB, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या लगाया हुआ है body.parser.json, तो हम express.json को भी लगा सकते हैं, देखते हैं express.json, लेट्स सी इफ अगर ये इसने कोई और एरर ना क्रिएट किया तो। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट पास कर दें, इट सीम्स इन द एक्सप्रेस 4.4 ऑनवर्ड वी कैन गो बैक टू द इनिशियल वे ऑफ डूइंग दिस, एक ये तरीका है। दूसरा ये, अच्छा ये बॉडी पार्सर में भी अलाउड है, ठीक है, body.parser.json limit 50 MB, ये body.parser.url encoded, तो मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैं क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ये, पहले मैं ये कर रहा था body.parser.json, अब इस body.parser.json की जगह मैं ये कर देता हूँ body.parser.url encoded limit 50 MB extended true, ठीक। अब 50 MB तक के डाटा को, अब इतना बड़ा इमेज कोई नहीं अपलोड करता जो 50 MB से इमेज, या आप खुद लिमिट लगा लें कि क्योंकि 50 MB के इमेजेस अगर कोई अपलोड करेगा तो आपका सर्वर ही बैठ जाएगा, सर्वर की स्पेस भी तो लिमिटेड होती है, तो आप एटलीस्ट इसको 10 MB या 20 MB रखें। बहरहाल फॉर नाउ वी आर गुड टू गो। अब अगर मैं दोबारा, ये मैं बैकएंड पे कर चुका हूँ इसका सोल्यूशन, मैं जाता हूँ दोबारा फ्रंट एंड पे, कंसोल को दोबारा कर देता हूँ दिस, और दोबारा मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रॉम दिस। होपफुली अब दोबारा देखें स्टेट खाली है बाय डिफॉल्ट, और अगर मैं यहाँ से So let's see what is on the server. मेरे पास empty object आया,
इसका मतलब देर इज स्टिल समथिंग रॉन्ग. सो लेट्स सी, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और इसको कंट्रोल जी करके जेसन ही कर देता हूँ. ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों आता है, क्योंकि वो इनकमिंग बॉडी को जेसन में पार्स नहीं कर पा रहा. गॉट इट. और इसको एज इट इज रहने देता हूँ. एक और मिडलवेयर कॉल कर लेता हूँ जिसको मैं ये कर देता हूँ क्लियर. क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन उसमें डेटा नहीं आ रहा. और डेटा ना आने की वजह, हमने बहुत पहले भी ये मैसेज देखा था, ये अनडिफाइंड या एम्प्टी ऑब्जेक्ट के डेटा पास नहीं हो पा रहा. सो नाउ वी आर गुड टू गो विद दिस. लेट्स ट्राई इट अगेन. स्टिल इसने भी मैसेज दिया था. ठीक है, अब ये नहीं आना चाहिए था. लेट्स सी इट अगेन. दिस 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 और दिस. सो सक्सेस मैसेज. चलिए लेट्स सी. स्टिल नॉट सक्सेस फॉल्स और मैसेज रिक्वेस्ट एंटर टू. इसका मतलब द सोल्यूशन लाइज इन हेयर फॉर पार्स. इसको ट्राई करते हैं बॉडी पार्सर डॉट जेसन सिर्फ लिमिट को देके. बट इसने दोनों आई ट्राइड बॉडी पार्सर डॉट जेसन में भी लिमिट इसने कह दी हुई है 50 दी हुई है. सो लेट्स सी. Once again, go back, refresh it. It's important to debug. हमने शुक्र है पहले डिबगर लगा लिया, अदरवाइज कंफ्यूजन होती है ज्यादा कि डेटाबेस में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और नहीं जा रही. और सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम. इन द मीन टाइम वी हैव टू गो बैक. यहाँ भी नहीं आ रही. सो वट इज द रिस्पॉन्स. Let's switch. अब बिल्कुल ही चुप करके बैठ गए. अच्छा, अगर कुछ भी ना आ रहा हो ना, तो फिर आपने ये देखना नेटवर्क के टैब में. ये डिबगिंग टेक्निक है, नेटवर्क के टैब में देखें कि आपकी नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं जा रही. सो दिस इज व्हाट, दो रिक्वेस्ट हैं, एक ये 204 और एक ये पेंडिंग. इसका मतलब अभी प्रोसेसिंग कर रहे हैं. अगर आपको इस रिक्वेस्ट का स्टेटस देखना है, आप इस पर क्लिक करें तो ये कह रहा है कि 204 नो कॉन्टेंट. इस पर देखें प्रीव्यू में इसने ये दिया है, रिस्पॉन्स इसने ये दिया है, कुछ भी नहीं दिया. इनिशिएटर और टाइमिंग, इतना टाइम लिया है इसने. तो ये सारी रिक्वेस्ट के इन्वेस्टिगेशंस आप यहां से कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी इसमें क्या हुआ है, इसने क्या किया है जी. पेलोड, ये हमने पेलोड भेजा, उसने रिस्पांस कुछ भी नहीं दिया. तो अब आप जाते हैं, इट्स जस्ट अ वे ऑफ, मतलब जब कहीं से कुछ पता ना लग रहा हो तो नेटवर्क पे देखें कि रिक्वेस्ट जा भी रही है हमारी या नहीं जा रही है. अब इसने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आखिरी चेंज हमने, ओके डेटा आ गया सर्वर. फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और एवटार. गॉट इट. तो इसीलिए हम डरे थे कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था इसको. अब आप ये कहेंगे जी कि यहाँ कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने सारा कुछ कंसोल किया भाई. यहाँ क्या एरर क्यों आ रहा था? फिर आप ये कहेंगे तो एरर इसलिए आ रहा था कि ये था कि इसमें ट्राई कैच में एरर ने तो वापस आना था ना, एरर हैंडलर के थ्रू. लेकिन अब वापस रिस्पांस में स्टेट में कुछ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जस्ट कंसोल के बाद सब कुछ क्या हुआ है. तो इफ देयर इज नो एरर, तो यहां तक आपने वेरीफाई करना है कि इफ एवरीथिंग इज कमिंग, और ये चीज आपने याद रखनी है, दैट्स इट. ठीक, यानी दो कॉमन एरर्स हैं फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करते हुए जिनमें लोग उलझे रहते हैं. एक आपका कोर्स का एरर है, दैट्स वेरी सिंपल, और एक आपका रिक्वेस्ट एंटिटी टू. अगर मैं इमेज ना डालता
तो मुझे एरर भी ना आता और मैं इसी तरह गोली करा जाता। Got it? अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सर्वर डेटा आ रहा है जो इमेज का, वो आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूनिकोड और आई मीन बेस 64 इनकोडेड फॉर्मेट में। मैं एक चाहूं तो इस डेटा को एज इट इज डेटाबेस में सेव कर दूं और वापस जब लोड करूंगा इमेज को तो इमेज ही आएगा प्रॉपर, मुझे कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते होते नॉर्मली, हम इमेज को सर्वर पे अपलोड करते हैं सर्वर के किसी फोल्डर में और इमेज का पाथ जो है वो डेटाबेस में सेव करते हैं। हम डायरेक्ट कभी भी इमेज को डेटाबेस में सेव नहीं करते, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर 10-10, 15-15 एमबी के इमेजेस को डेटाबेस में सेव करेंगे तो डेटाबेस बहुत ज्यादा लोडेड हो जाएगा और फिर उसकी डेटाबेस में एक तो स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरा फिर डेटाबेस की रिक्वेस्ट को रीड और राइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 10 एमबी का पूरा डेटा ट्रेवल कर रहा होगा। हम क्या करते हैं यहां पे, हम करते हैं एक ट्रिक कि हम इस में से क्या निकालते हैं, अवतार निकालते हैं। अब चूंकि हमने बैकएंड पे इमेज को हैंडल नहीं किया हुआ स्कीमा पे, कैन यू सी दिस, कहीं भी यहां अवतार की फील्ड नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि हम यहां क्या कर लें, एक नई फील्ड बना लें जिसको क्या नाम दे दें, अवतार। और अवतार में दो चीजें, एक तो हम इसको कह दें पब्लिक आईडी और इसको कह दें टाइप। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग और सिक्योर यूआरएल टाइप। मैंने मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं दो तरीके हैं इमेज को हैंडल करने के, या तो मैं इस इमेज को अपने सर्वर के किसी फोल्डर पे अपलोड कर दूं, यानी बैकएंड का सर्वर है यहां पे, मैं एक नया फोल्डर बनाऊं अपलोड्स के नाम से और ये इमेज किसी तरह उठा के सर्वर के फोल्डर में अपलोड कर दूं और इसका जो पाथ है वो डेटाबेस में सेव कर दूं। दूसरा तरीका विच इज अगेन अ कॉमन थिंग और मैं वही इंप्लीमेंट करूंगा क्योंकि मेरे सर्वर की स्पेस भी लिमिटेड हो सकती है, ठीक, या लिमिटेड नहीं भी हो सकती है, हम वो तरीका भी पढ़ लेंगे बट फिलहाल जरा ज्यादा इजी तरीका पढ़ते हैं। और वो तरीका ये है कि हम सर्वर को क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे अपलोड करेंगे, सॉरी इमेज को क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे अपलोड करेंगे। और वो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या है, बेसिकली हमारे पास एक फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री लिमिटेड फ्री क्लाउडिनरी के नाम से, ये क्लाउड बेस्ड इमेज स्टोरिंग सॉल्यूशन है फॉर द एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, ठीक। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है जाके क्लाउडिनरी पे, ठीक। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, लॉग इन। सो लेट मी डू दैट, मेरा अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, न्यू यूजर में से सिर्फ अवतार निकालना हो तो क्या करते हैं, इज इट। अब मैं क्या करूंगा, इस अवतार को क्लाउडिनरी सर्वर पे स्टोर करूंगा और बाकी चीजें उठा के सारी अपनी डेटाबेस में डालूंगा। लेट्स सी के गिव्स मी,
चार भी हो गए आई थिंक, इसको कल ही कंटिन्यू करें। इट सीम्स के मेरे इंटरनेट की स्पीड स्लो है या आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट अब हम बिल्कुल रेडी हैं, आखिरी स्टेज है हमारी,